क्लास सिक्स हिंदी मीडियम मैथ्स डिवीजन क्वेश्चन नंबर वन देखो। 15 के सभी संभावित गुणनखंड तथा पहले पांच गुणज लिखिए। हो गया, इसमें क्या है, पहले तो बताना आपको गुणनखंड। तो देखो गुणनखंड कैसे लिखेंगे, गुणनखंड देखो गुणनखंड क्या होता है, ये 15 नंबर किस किस से डिवाइड होगा। देखो 1 से हो जाएगा, 3 से, 5 से, 15, ये होगा। अब इसको गुणज देखो, गुणज मतलब 15 का क्या होता है, कितनी बार 5 बार, 15 30 45 60 और 70 का ये क्वेश्चन होता है। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखो, हो गया क्वेश्चन नंबर 2 है 50 और 80 के बीच सभी विषम संख्याएं, क्या सभी विषम संख्याएं, पचास और अस्सी के बीच की सभी विषम संख्याएं लिखिए। हो गया, देखो 50 और 80 के बीच में सही विषम संख्या, विषम संख्या जो होती है 51 53 ऐसे लेते जाओ बस, तो क्या आएगा 55 57 59 61 63 65 67 69 71 73 75 77 और 79 ये आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 हो गया, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, 36 और 120 को युग्म अभाज्य के योग के रूप में व्यक्त हो गया। कुछ नहीं देखो, 36 को ब्रेक कर लो, ऐसे ब्रेक करना है टोटल 36 से जाए और अभाज्य नंबर आ जाए, क्या आ जाएगा 17 और 5 कितना 19, ये हो गया। 120 क्या हो जाएगा 59 और 61, 59 और नंबर है मतलब प्राइम नंबर, 61 प्राइम नंबर, क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। नेक्स्ट देखो,
क्वेश्चन नंबर 4 दे रहा है, 36 और 60 का महत्तम सम बनता है। ज्ञात कीजिए, हो गया। देखो इसको ज्ञात करने का अपने पास दो मेथड होते हैं, कितने होते हैं, तो अगर उसमें लिखा है कि भाग विधि से कर देना, और अगर उसमें लिखा है सिर्फ ऐसे ही ज्ञात करने तो किसी भी मेथड से कर सकते हो आप। उसमें लिखा है 36 और 60 का महत्तम समानांतर ज्ञात कीजिए, क्या बन रहा है, 36 और 60 का महत्तम समानांतर। तो दो तीन मेथड होते हैं, एक होते हैं गुणनखंड वाले, तो वो भी कर सकते हो, ये भी कर सकते हो। तो अगर हम ज्ञात करेंगे तो कैसे करेंगे, 36 को तोड़ लो, 2 से उठा 18 बार, कितना टाइम 36, 2 से करेंगे 9 बार, ये 3 से करा 3, 3 से 1, ऐसे 60 के निकाल लो बराबर 60, 2 से 30, 2 से 15, 3 से 5 बार, 5 से 1, इसको सब को यहाँ लिख लो, कितना आया 36 का आया अपना 2 × 2 × 3 × 3, 60 का क्या आया आपका 2 × 2 × 3 × 5, बस ये आया इसको आया हो गया। बस इसका एचसीएफ देखो, एचसीएफ कैसे करते हैं, एचसीएफ मतलब कॉमन, 1 2 आ जाएगा, फिर 1 2 ले लो, फिर 1 3, इसको सॉल्व करो, ये जाकर कर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, से छोटी संख्या को ज्ञात कीजिए जिसमें 7 बड़ा देने से बारह 15, 18 और 30 को पूर्णतः विभाजित कर, हो गया। तो क्वेश्चन क्या है, छोटी से छोटी संख्या को क्या कीजिए जिसके 7 बड़ा देने से ये 30 को पूर्णतः विभाजित कर, मतलब इसमें हमने 7 बढ़ा दिए, क्या बढ़ा दिया 7, तो पहले हम क्या करेंगे इसका लासा ज्ञात करेंगे, क्या करेंगे लासा, जो लासा आएगा उसमें से हम इस 7 को माइनस कर देंगे, क्या कर देंगे माइनस। देखो इसको सॉल्व करें, दो से डिवाइड होगा ये 6 बार, ये 33, ये 9 बार, ये 15 बार, फिर 2 से कर दो ये 3, 15 एटिक्स 9 भी 33, 15 भी 33, फिर 3 से करो ये 1 5 3 5, फिर 3 से 1 5 3 5, 5 से करो 1 1 1 1, ये ऐसे हो 12 15 18
और 30 का लासा, क्या याद कर रहे हैं लासा, तो कितना आएगा 2 × 3 × 3 × 5 चार 9 41 और 5 × 1 कितना हो जाएगा 4 × 12 × 12 = 60 180 आ गया। क्या आ गया? अब 180 में से आप 7 को माइनस कर दो तो छोटी संख्या क्या हो जाएगी, छोटी संख्या 180 माइनस का 7 तो बचेगा 173 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 6 क्या लिखोगे, दो संख्याओं का मासा, दो संख्याओं का मासा 23 और लासा 2 × 56 यदि एक संख्या संख्या 92 दूसरी संख्या या पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या, बराबर होता है HCF इंटू LCM। ये फॉर्मूला है, पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर HCF इंटू LCM। दो संख्याओं का मास दिया, लास दिया, दूसरी एक संख्या 92 तो दूसरी संख्या बची है, इसको छोड़ो। दूसरी संख्या बराबर में कितना है, 23 × 276 क्या हुआ, दूसरी संख्या बराबर 23 × 276/92 ये कट जाएगा 4 से कट जाएगा 6 × 4 = 24 × 3 = 4 × 9 = 69 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन भी यही है, सी टाइप से करना आपको हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6
बाद नेक्स्ट ले लो, निम्नलिखित को एक निर्देशित संख्या के रूप में लिखिए। क्वेश्चन क्या है आपका, माइनस का नाइन इंटू 12 माइनस 14 प्लस का 10 तो माइनस 6 प्लस का 5 माइनस 4 माइनस का 7 हो गया। सबसे पहले क्या करना है, ये माइनस करना है नेगेटिव से, इस ब्रैकेट को सॉल्व करना है। ये हो जाएगा 22 ये 14 में जाएगा माइनस का 18 में चाहिए, क्या बचेगा हो गया 6 में से 5 का माइनस का बन बचा, ये हो जाएगा माइनस का 11। इतना आगे सुनिए, अब वो 11 का इनटू बन बचा किसका, इस वाले के 89 का 89 कितना होता है, माइनस माइनस से अगर प्लस हो गया तो 189 या 162, और ये माइनस का इनटू माइनस प्लस, ये माइनस बचेगा 11 का, इन दोनों को माइनस कर दो 150 बार इसका आएगा वो भी 162 में से 11 जाएगा। प्लस का बचेगा 150 का हो गया। ये चार पॉजिटिव है, इसमें बड़ा नंबर क्या आएगा 4, फिर 3, फिर 1, फिर 0। अब नेगेटिव में जैसे नेगेटिव में दो नंबर ही है, एक नंबर एक है,
इसमें जो सबसे छोटा है वो सबसे बड़ा नंबर होगा, फिर माइनस का 7 माइनस का 8, ये आंसर है। x का मान ज्ञात कीजिए, हो गया। जैसे आपके पास क्वेश्चन था x प्लस का 3, ये क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करना है, इसको क्या करना है सॉल्व। तो 5 को उधर ट्रांसफर कर दो, 3 माइनस 5 कितना बचा, माइनस का 2, ये आपका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 ओपन नेक्स्ट देखो। क्वेश्चन नंबर 10 देखो। 2y3 3y5 और 1y3 को समान भिन्न बना देते हैं। क्या बनाना है, समान भिन्न। तो समान भिन्न बनाने के लिए करना क्या है, कुछ नहीं, देखो डिनोमिनेटर को मतलब हर को सेम करो, इसको हर को। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 3 5 3 का लासा, हो गया। 3 5 3 का लासा कितना आएगा, 15, कितना आएगा 15, 15 होगा, सबको 15 मान। 2/3 में 5 से इंटू करो, यहाँ भी 5 से होगा, कितना हो जाएगा 10/15, यही आएगा 3 5 3, एक दूसरा 3/5 को 3 से मल्टीप्लाई, 9/15, 1/3 को देखो इसमें 5 से इंटू कर दो, ये होगा 5/15, हो गया। बस इसको सॉल्व कर दो, इक्वल हो गया, तो समान भी बन गए, हो गया। बिल्कुल आंसर कितना आ रहा है, 10/15, 9/15 और 5/15। क्वेश्चन नंबर 11 देखो, उसमें बुक में क्वेश्चन कराया था जो मैंने बताया उसको लिख देना। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित संख्याओं को आगे क्रम में व्यवस्थित कीजिए। निम्नलिखित संख्याओं को आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। हो गया, नंबर है आपके पास 7/8, 2y3, 5y6। तो किसी को भी आलूग्रह में कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले हम उसका लासा लेंगे, क्या लेंगे, लघुत्तम समाकलन। 8, 3, 6 का लासा कितना आएगा, 8, 3 का आएगा 24, यहाँ कन्फर्म कर लो, 8, 3, 6, 2 से करोगे 4 1 3, ये भी आएगा, फिर 2 से 2 3 3, फिर 2 से 1 3
थ्री से वन वन आ जाएगा, एट ये 24 आएगा, कितना आएगा 24 हो गया। इसका लास्ट आने के लिए अब सबका हर समान बना दो, 7/8 था अपने पास, इसको 24 बनाने के 3 से इनटू का यूज आएगा 21/24 हो गया। इसी प्रकार 2/3 को 8 से मल्टीप्लाई करो, इसको भी 8 से मल्टीप्लाई करो, ये हो जाएगा 16/24 और कितना है 5/6, इसमें किससे करोगे 4 से, इसको 4 से करो 20/24 हो गया। सब बराबर हो गए, ओके। अब आगे क्रम में जो ऊपर बड़ा नंबर आगे मतलब बढ़ते क्रम, सबसे छोटा आगे क्या है, सबसे छोटा क्या है 16/24, नेक्स्ट क्या है 20/24, अगला क्या है 21/24, 16/24 किसका था 2/3 का, यह 20 किसका था आपका 5/6 का हो गया, नेक्स्ट का था आपका 7/8, ये आपको आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 11 हो गया है, निम्नलिखित को सरल कीजिए, क्वेश्चन नंबर 1 देखो 4/5 + 2/3, इसका देखो बहुत सारे मेथड हैं, सबसे बेस्ट मेथड है इसको क्रॉस इनटू करो, 3 का 3 का करो 12 हो जाएगा, 4 का 3 का 10, इन दोनों का आपस में देखो इसका इसमें कितना आया, 5 का 2 में करोगे 10 आएगा, 5 का 3 में करोगे कितना आएगा 15, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, फिर 12 और 10 कितना हो जाएगा 22/15 ये आंसर। तो इसको सॉल्व थोड़ा सा और करना है, कैसे मतलब 15 और ये 7 है हो जाएगा, तो कितना आएगा ये आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 की ओर, क्वेश्चन नंबर 13 देखो, क्वेश्चन नंबर 13 देखो 1/3 को सॉल्व, 1/5 को इसको सॉल्व कर दो, 3 का 2 होगा कितना जाएगा 4/3 हो गया, इसको सॉल्व करो तो 11/6, इसको सॉल्व करो तो 19/2/3, इन सब का एलसीएम कितना आएगा 3, 6, 12 और 3 का लास्ट या तो कितना आएगा 12 आएगा, दोनों का एलसीएम सबको कर दो, आपको क्या बनाना है देखो 4/3 में 4 से इनटू करो, यहां भी 4 से होगा, 11/6 में से इनटू करोगे 2 से, यहां भी 2 से कर दो, 19/12 में किसी से इनटू नहीं करना पहले से कर दो, 2/3 में किससे करोगे 4 से, नेक्स्ट 16/12, 22/12, 19/12 और 8/12 सबके डिनोमिनेटर सेम होंगे, हर इसको एक बार लिखेंगे, इधर क्या बचा आपका 16 - 22 + 19 - 8 हो गया, 16 और 19 को एक साथ प्लस करो कितना हो जाएगा 35 और ये हो जाएगा आपका 30/5/12 ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 14 देखो,
फर्स्ट क्वेश्चन है आपका 3/2, 3/4 / 9/2 ओके। बहुत इजी क्वेश्चन देखो, 3/2 को एज इट इज, 3/4 को भी एज इट इज, इसको इनपुट लगाओ डिवाइड में कर दो 2/9 बस हो गया। ये 2 से ये 2 गया, इस 3 से ये 3 गया, इस 3 से ये 3 गया, कितनी बार ऊपर बचेगा 1/4 ये आंसर होगा।